आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की पांच बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ग्वालियर के वायुसेना विमानतल पर आत्मीय स्वागत हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्पगुच्छ भेंट कर ग्वालियर में उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू विमानतल पर जनप्रतिनिधियों से भेंट के बाद ग्वालियर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हुई। मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा समेत अन्य भर्ती में धांधली के खिलाफ भोपाल और इंदौर समेत पूरे प्रदेश में स्टूडेंट्स सड़क पर उतर आए हैं। इंदौर में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के नेतृत्व में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स ने दोपहर करीब 12:30 बजे कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव कर दिया। भोपाल में भी कर्मचारी चयन मंडल के सामने बड़ी संख्या में पटवारी अभ्यर्थी जुटे। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में जांच नहीं हुई तो एक सप्ताह बाद भोपाल के जम्बूरी मैदान पर आंदोलन करेंगे। इंदौर के पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल को इंदौर जिला न्यायालय ने गुरुवार को कोर्ट उठने तक और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। पटेल ने वर्ष 2018 में किसानों की समस्या को लेकर बगैर अनुमति देपालपुर क्षेत्र में प्रदर्शन किया था। इस मामले की सुनवाई पहले भोपाल विशेष न्यायालय में चल रही थी, लेकिन 2 वर्ष पहले इंदौर में विशेष न्यायालय गठित होने के बाद से इसकी सुनवाई इंदौर में शुरू हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल जयविलास पैलेस पहुंची, जहां उनका शाही अंदाज से भव्य स्वागत किया गया। जयविलास पैलेस में जब राष्ट्रपति की एंट्री हुई उसी दौरान शाही अंदाज में ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही मराठा कलाकारों के द्वारा विशेष प्रस्तुति दी गई। सिंधिया राज परिवार के इस शाही महल में राष्ट्रपति ने करीब 2.5 घंटे का समय बिताया। उन्होंने संग्रहालय के अवलोकन के बाद शाही लंच किया। राजगढ़ में एक सनसनीखेज वारदात में बदमाशों ने कांग्रेस से जुड़े रहे पूर्व सरपंच की हत्या कर दी। वे घर में रखा 20 तोला सोना, 5 किलो चांदी और 2 राइफल लेकर फरार हो गए। कांग्रेस नेता की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।